डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। तो आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आज हम, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले आज हम स्टडी करेंगे पार्ट वन, जिसमें हम कुछ इसके रिएक्शंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ रिएक्शंस और इसके कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले, देखिए आपको ये भी पता है कि इस चैप्टर में हमारी बहुत सारी नेम रिएक्शंस भी हैं, जिन पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एल्डोल रिएक्शंस हो गई, राइट, या फिर आपकी कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, ये तो इसकी सबसे मेन दो रिएक्शंस मानी जाती हैं। उसके बाद जो आपके रिडक्शन रिएक्शंस हैं, उनमें भी आपकी एक दो नेम रिएक्शंस आती हैं, जैसे क्लेमेंजन रिएक्शन हो गई, क्लेमेंजन रिडक्शन हो गया, वुल्फ किशनर हो गई। तो ये सारी ही रिएक्शंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथ के साथ इस चैप्टर में जो आपके टेस्ट आते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका टॉलेंस टेस्ट है, ठीक है, या फिर आपका एक आयोडोफॉर्म टेस्ट है। मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स दे देते हैं और आपसे पूछें कि इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट, या फिर चार कंपाउंड्स दे दें और पूछ ले कि कौन सा कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को स्पेसिफिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे इसको देखें तो। अगर अभी मैं स्टार्ट करूं कि जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इनके प्रिपरेशन के मेथड्स तो पहले वो देख लेते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर प्रिपरेशन की ही बात की जा रही है, तो उसमें आपका एक रिएक्शन होता है कि जो भी आपके ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स हैं, एसिड्स हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्या है, एक अल्कोहल है। ठीक है, जब इस अल्कोहल की आपने क्या करा देनी है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, KMnO4 यूज़ किया इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करता है, ये जो भी आपका एक अल्कोहल होता है, इसको एसिड में, या फिर मतलब पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, देन फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन करता है एसिड में। ओके, तो यहाँ पे हम ये ना यूज़ करते हुए RCOH, हम यूज़ करेंगे R देन CH2OH। अब ये जो ये वाला कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच्ड है, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो पहले ये कन्वर्ट होगा आपका एल्डिहाइड में, देन फर्दर ऑक्सीडेशन पे ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। तो एक तो जब आप इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स की, तो वहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप बोलें कि हमें स्टार्टिंग में अल्काइल हैलाइड दे रखा है, दैट इज आर CH2X। अब एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कन्वर्जन तो आपको पता ही है, ये तो हम हमारे जो अल्कोहल चैप्टर है या फिर अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन जो चैप्टर है, उसमें इसको स्टडी कर ही चुके हैं कि क्या करना है आपको, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, देन आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में क्या होगा, इस टाइप से आपका डबल बॉन्ड है। आपको पता है कि जब आप एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो ओजोनोलिसिस पे क्या होता है, डायरेक्ट ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, एक ऑक्सीजन इधर आता है, एक ऑक्सीजन इधर आता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है यहाँ पे आपका, अब डिपेंड्स कि आपने जो कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं वो क्या अटैच कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएगा, और इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे आपको एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी इसके कुछ प्रिपरेशंस। उसके अलावा एक और नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में, जो कि आपकी आती है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एक रिएक्शन दे देंगे कि मान लीजिए आपका क्या है, टोलवीन है, इसकी रिएक्शन हमने कराई CS2 के साथ, तो आपका ये कंपाउंड बना। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है कौन सी है, या फिर इस रिएक्शन का नाम क्या है, या फिर सब कुछ बता देंगे और आपसे रिएजेंट पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो आपकी इटार्ड रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने इथाइल बेंजीन लिया, क्या लिया आपने, इथाइल बेंजीन CH3। अब इसके रिएक्शन या तो आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराओगे, दैट इज CrO2Cl2, या फिर आपने क्या यूज किया, CS2। ओके, इसके अलावा एक और रिएजेंट जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज CrO3 इन क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब आप इसके रिएक्शन करते हैं, तो जो आपका CH3 ग्रुप है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में CHO। ये क्या बन गया आपका, फिनाइल
एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहीं पर अगर इसकी जगह पे सिंपल आपका CH3 ग्रुप होता, दैट इज क्या होता है यहाँ पे आपका टोलीन, और ये रिएजेंट्स अगर आप उसमें ऐड कर देते तो भी आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे सिंपली क्या बनता आपका, बेंजाल्डिहाइड बन जाता, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन, इसके अलावा दो चार और नेम रिएक्शंस आती हैं, जैसे आपकी गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन हो गई, वो भी देख लेते हैं अभी हम, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में कोई भी आपका बेंजीन हो या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है, बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता है, जैसे टॉलिन हो गया या फिर आपका इथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बेंजीन को ही कंसिडर किया, ओके, आप इसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCN। ध्यान रखिएगा रिएजेंट्स क्या है आपका, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3। इनकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपको, बेंजल्डिहाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। वो डिपेंड करता है कि आपने बेंजीन के साथ क्या ग्रुप ले रखा। मान लीजिए आपने बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब ये कोई भी आपका R ग्रुप है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ही बेंजल्डिहाइड आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन होती है आपकी, जो कि क्या होती है, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। देखिए दोनों रिएक्शन का जो नाम है वो आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट सेम सा है, बट ऐसा नहीं है। वहां पे गेटरमैन एल्डिहाइड है और ये क्या है आपकी, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, सेम यहाँ पे भी बेंजीन या फिर बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव। तो मान लीजिए मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ, इसका बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव है, ये आर ग्रुप आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। जब ये हाइड्रोजन होगा तो आपकी बेंजीन बन जाएगी, अगर और कुछ लिया तो वो क्या बन जाएगा आपका, डेरिवेटिव। इसके रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ, प्लस HCl प्लस आएगा आपका AlCl3, या फिर आप इसकी जगह CuCl भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट दोनों ही केस में आपके सेम बन रहे हैं, बट रिएजेंट क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे भी आपका बनेगा वही सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड, बट जो रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज किए वो क्या थे आपके, डिफरेंट रिएजेंट थे, ओके। उसके बाद आपकी एक रिएक्शन जो मैंने बोला था कि रिडक्शन में भी आपकी एक दो नेम रिएक्शन है, तो आपकी रिएक्शन आती है एक रोजनमन रिडक्शन। क्या आती है आपकी, रोजनमन रिडक्शन। अब रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो भी बेंजोइल क्लोराइड है उसकी क्या होती है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होती है। तो मान लीजिए जैसे ये आपका बेंजोइल क्लोराइड हो गया, PHC OCl, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, जो कि होता है आपका H2 प्लस पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस सल्फर। जब ये रिएक्शन होती है तो ये जो आपका COCl ग्रुप है इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, PHCHO। ये होती है आपकी एक रोजनमन रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, नेम रिएक्शंस की ही बात कर रही हूं मैं अभी, तो वो आती है आपकी स्टीफन रिडक्शन। ये क्या हो गई आपकी, स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो जाता है जो भी आपके नाइट्राइल ग्रुप है ना वो आपका किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका RC NNN, ये आपका नाइट्राइल ग्रुप है, इसके रिएक्शन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ, और उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे बन जाता है आपका RCHO, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो मतलब प्रिपरेशन, जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जितनी भी आपके रिएक्शंस आती हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन की मैं बात करूंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, वो है आपका, जब भी यहाँ पे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम आया तो मुझे याद आया आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है आपका, एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वो क्या होता है आपका, डाइबल एच, ठीक है, ये होता है आपका इस कंपाउंड का। देखिए अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
ठीक है, ये हम इसके लिए जो एब्रीवेशन है वो ये यूज की जाती है। अब बात की जाए कि ये जो कंपाउंड है इसका क्या यूज है, तो ये जो कंपाउंड है ये आपके डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करता, उन पे इसका कोई भी फर्क नहीं आता, उनको बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा। बट जो आपके साइनाइड ग्रुप्स हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड ग्रुप है, या फिर आपका जो एस्टर ग्रुप भी आता है, क्या आता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस्टर ग्रुप हो गया, या फिर आपका असाइल ग्रुप हो गया सी ओ सी एल, इन सबको क्या करता है ये रिड्यूस करता है। ठीक है, और रिड्यूस किस में करता है, ये आपके एल्डिहाइड्स में रिड्यूस करता है। जैसे अगर मैंने साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है इसको रिड्यूस किया तो ये आपका जाएगा एल्डिहाइड में। सिमिलरली जब एस्टर ग्रुप को आप रिड्यूस करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका क्या होता है ब्रेक, तो यहाँ से तो बनेगा आपका एल्डिहाइड, और जो ये ओआर ग्रुप बच गया इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और ये भी किसमें कन्वर्ट होगा आपका एल्डिहाइड में। तो जो आपका डायबल एच है ये कुछ मतलब पर्टिकुलर जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को रिड्यूस करते हैं, मेनली हम इसको साइनाइड और एस्टर्स की रिडक्शन में ही यूज करते हैं, तो ये जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको एक एक दो क्वेश्चंस पे बात आती है, क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे ये कंपाउंड ए है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, हमने डायबल एच के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो बी प्रोडक्ट है आपका वो क्या बनेगा। तो अभी मैंने आपको डायबल एच का रोल तो अभी मैंने आपको समझा दिया, अब इस क्वेश्चन पे अगर बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, आपके पास एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर और एक साइनाइड ग्रुप है। अभी हमने बोला कि जो आपका डायबल एच है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, वो आपके साइनाइड या फिर एस्टर ग्रुप को रिड्यूस करता है, किसमें, एल्डिहाइड में, राइट। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको तीन क्या दे रखे हैं, मिथाइल ग्रुप्स, ओके, देन आ रहा है आपका ये डबल बॉन्ड एल्कीन, ये मूव किया, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो कार्बन है साइनाइड का ये तो कन्वर्ट हो गया आपका एल्डिहाइड में, तो ये क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट भी, साइनाइड को एल्डिहाइड में ही तो कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो देखिए यहाँ पे तो NH2 है तो बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे एसिड है ये ऑप्शन भी गलत, इन दोनों ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कीन प्रेजेंट है बट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसने क्या किया एल्कीन को भी रिड्यूस कर दिया, जबकि ये एल्कीन को तो रिड्यूस करेगा ही नहीं, राइट। तो जो आपका साइनाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपको क्या दे रखा है कि आपका कंपाउंड ए है इसकी रिएक्शन कराई मैंने Mg ईथर के साथ, तो ठीक है इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। क्या बात कर रहे हैं हम, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, जैसे आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है, मैंने सिंपल एक एल्काइल हैलाइड की बात की आपका RX, जब आप इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में जब भी आपने कभी इसकी रिएक्शन करवाई, तो इस केस में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे बनता है आपका RMgX। अब ये जो RMgX बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब जो एक चीज और आपको याद करने की है, आपको पता है कि जो मैग्नीशियम मेटल है इस पे क्या होता है +2 चार्ज होता है, ये बात तो सभी को पता है कि मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसपे +2 चार्ज होता है, और एक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन को, और हैलोजन कौन सा चार्ज कैरी करता है, -1, तो ये -1 है। अब पूरा बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल तो हमारा न्यूट्रल है, बैलेंसिंग के लिए मतलब R जो है ये कैसा होगा, -1 चार्ज कैरी करता हुआ, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना है इसमें आपका जो R है ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब R आपका न्यूक्लियोफाइल है तो ये आपका किस पर अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आपके कौन से होते हैं, अब जैसे मैं आपके एल्डिहाइड की ही बात करूं या फिर चाहे आप कीटोन को कंसिडर कर लीजिए, ये क्या है आपके, ये जो कार्बन है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू द कार्बन, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस केस पे आए कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देगा। तो अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, उसका क्या रोल है, वो तो हमने देख लिया। अब हम इस रिएक्शन पे मूव करते हैं,
कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बोला कि जो आपका ए कंपाउंड है उसका फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करनी है एमजी ईथर के साथ। तो यहाँ पे एमजी ईथर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। तो ये हो गया आपका कार्बन, यहाँ पे बन गया ये MgBr। ठीक है, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे क्या है आपका एक स्टार प्रेजेंट है, MgBr बन गया। नेक्स्ट स्टेप में बोला कि आपको इसकी रिएक्शन करानी है PHCHO के साथ। अब PHCHO की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका PHC डबल बॉन्ड OH, ये आपका बेंजल्डिहाइड ही तो है। अब अभी हमने बताया था कि जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब यहाँ पे आप इस कार्बन पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आपका कार्बन है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका PHC, या आ गया आपका ओ नेगेटिव। इस कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन था और इस कार्बन पे अटैक किसका हुआ है, ये कार्बन, एंड देन ये वाला जो कार्बन है ये क्या है आपका स्टार कार्बन, और यहाँ पर क्या आ गई आपकी एल्कीन आ गई। ठीक है, ये कंपाउंड बना। नेक्स्ट स्टेप में बोला कि इसकी क्या करा दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा आपका PCOH, ये स्टार कार्बन और ये आपकी एल्कीन। ओके, बट अभी एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जब आपकी एल्कीन्स में ये क्या है आपकी एक एल्कीन ही है टाइप से, तो ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या दिखाएगा यहाँ पे, इस टाइप से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे, मतलब इस कार्बन ने क्या दिखाया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ स्टार था, ये नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी तो अटैक कर सकता है ना, ये वाला कार्बन भी अटैक कर सकता है। जब ये कार्बन अटैक करेगा तो उस केस में आपका कंपाउंड आएगा PCO नेगेटिव हाइड्रोजन। इस बार जो कार्बन ने अटैक किया इस पे वो क्या था आपका एक कार्बन, ठीक है, देन आपकी एल्कीन, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां क्या प्रेजेंट है आपका स्टार। दोबारा से आप इसको क्या करा दीजिए, इसमें एच पॉजिटिव ऐड हो गया। जब एच पॉजिटिव ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, या आ गया OHH डबल बॉन्ड एल्कीन और यहाँ पे स्टार। ठीक है, तो मतलब जब अगर आपका आपको पता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल होता है उस पे नेगेटिव चार्ज है और कहीं पर अगर डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा आपका दोबारा से, मतलब कॉन्जुगेशन वहां पे पॉसिबल है, तो नेगेटिव चार्ज कहीं और पर भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये दो आपके प्रोडक्ट्स बन गए, दोनों ये जो दो प्रोडक्ट्स बने हैं दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल हैं। एक क्या था कि स्टार वाले कार्बन ने अटैक किया, दूसरे में रेजोनेंस हो गया तो इस कार्बन ने अटैक किया। अब ऑप्शंस में देखें तो हमारा ये प्रोडक्ट भी बन रहा है जहाँ पे पीएच से डायरेक्ट सी स्टार अटैच्ड है। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी बन रहा है मतलब इस कार्बन से डायरेक्ट सी स्टार अटैच्ड है, और एक हमारा वो भी बन रहा है जहाँ पे डबल बॉन्ड पे स्टार है। तो मतलब ए और बी दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है जिसमें क्या दे रखा है बोथ, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अभी तक जो हमने बात की वो हमने बात की कि जो आपके एल्डिहाइड्स वगैरह हैं आप उन्हें कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में जो मेन रिएक्शंस वो शो करते हैं वो होती हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं अगर आपका कंसिडर करूँ एक एल्डिहाइड, यह है आपका R C डबल बॉन्ड O, इसके आगे जो ग्रुप है अभी मैं उसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही ग्रुप कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन में भी कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बन पे क्या आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव, तो ये कार्बन आपका क्या बन गया इलेक्ट्रोफिलिक। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा आपका न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो उतना ही क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपका कंपाउंड होगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही बात करूं कि कौन आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे कीटोन्स में क्या आता है आपका एक और आर ग्रुप। तो देखिए ये जो पार्ट है ये तो दोनों में ही सेम है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे आर ग्रुप प्रेजेंट है।
अब हमने बोला जब ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही इजी हो जाएगा। तो इस केस में जो ये अल्काइल ग्रुप है ये क्या लगा रहा है, अपना प्लस आई इफेक्ट। जब ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, तो आपका कीटोन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, लेस रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो तो डिक्रीज हो गया क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जबकि एल्डिहाइड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो कीटोन से क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स में, मतलब एरोमेटिक और एलिफेटिक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कैसा होता है, तो जैसे ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये आएगा यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग इस टाइप से। अब आपको पता है कि जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, एक तो इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग का क्या हो रहा है आपका, माइनस आई इफेक्ट, ओके। बट आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेंजीन के साथ, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो बेंजीन क्या कर रही है, रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। तो माइनस आई जो फैक्टर है वो तो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा। आपको पता है कि रेजोनेंस क्या होता है, एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इस वजह से जो आपके एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके कंपेरिजन में, एरोमेटिक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के ही बाद आपके एसिड्स आते हैं, ठीक है। देन एसिड के डेरिवेटिव्स में आपका एसिड क्लोराइड हो गया, आपका एस्टर हो गया, आपका एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, या फिर आपका अमाइड हो गया। इनमें अगर बात की जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर की, इन सभी को कंसिडर करते हुए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा, तो एक बार वो वाला केस भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगर इनके स्ट्रक्चर्स को मैं और भी अच्छे से ड्रॉ करूं देन आपको चीजें ज्यादा बेटरली समझ में आएंगी, बेटर वे में समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके एसिड क्लोराइड की, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके एनहाइड्राइड की, सी डबल बोन ओ सी ओ आर, फिर आता है आपका एस्टर, ठीक है। एस्टर के बाद अमाइड NH टू, और लास्ट में आ गया आपका एसिड, ठीक है। तो देखिए जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो मैंने बात की वो तो अभी भी आपकी क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ही होंगे। क्यों, क्योंकि अगर बाकी कोई भी केस आप कंसिडर करते हो तो हर किसी में क्या है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और आपको पता है जब साइड एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डोनेट करे जाते हैं। और इन दोनों केस में कोई भी रेजोनेंस से तो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा ना, ये चीज हमें पता चल गई। जो आपकी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आपका एल्डिहाइड रिएक्टिव है, देन कीटोन, इन सब में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन सारे ही डोनेट कर रहे हैं। बात करती हूँ मैं क्लोरीन की, आपको पता है कि जो क्लोरीन है इसमें कौन सा आपका शेल आ जाता है, थ्री, राइट। जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये आपके थ्री और थर्ड ऑर्बिटल में है, जबकि कार्बन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका ऑर्बिटल होगा सेकंड। तो ओवरलैपिंग इतनी अच्छी भी नहीं हो पाएगी, इस वजह से ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। साथ के साथ यहाँ पे क्लोरीन अपना माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा, तो दोनों फैक्टर्स आपके ऑलमोस्ट क्या होते जाएंगे, एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। इसलिए आपका जो एसिड क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इन केस में, ठीक है। उसके बाद बात करूं एस्टर और एनहाइड्राइड की, तो देखिए इसके ये दोनों जो हैं ये आपके ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आपका NH2 है ये क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है आपका, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को कम डोनेट करेगा, जबकि नाइट्रोजन क्या करता है आपका, सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इस वजह से आपका अमाइड बाद में आएगा, एनहाइड्राइड और एस्टर पहले आएंगे, बट इन दोनों में से भी कौन पहले आएगा, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिर्फ यहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि ये ऑक्सीजन जो है ये इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है यहाँ पे। इस वजह से आपका एनहाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपैरिजन टू दी एस्टर, उसके बाद आता है आपका अमाइड। अमाइड और एसिड में अगर बात करें तो आप बोलेंगे कि अमाइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अमाइड को कम रिएक्टिव होना चाहिए, एसिड को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। बट जब एसिड में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो ये आ गया आपका ओ नेगेटिव, ये आ जाएगा ओ एच पॉजिटिव। तो ये जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, ये क्या हो रही है, आपकी एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अभी भी जो आपका कार्बन है उसके पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, राइट। तो यहाँ पे इस वजह से ये जो कार्बन है ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो नहीं करता है, तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलिए अब इसी रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर मेरे पास आपके पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए चाहे हाइड्रेशन या फिर हाइड्रोलिसिस की बात हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो, ट्रेंड आपका क्या रहता है, सेम ही रहता है। और अगर मैं ट्रेंड को अभी जैसे मैंने आपको बताया ही था, ट्रेंड क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका एल्डिहाइड, देन आता है आपका कीटोन, कीटोन के बाद आता है एसिड क्लोराइड, फिर आता है आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद क्या आ रहा था आपका एस्टर, अमाइड और लास्ट था आपका एसिड, यही ट्रेंड था, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्लियरली आप एक चीज तो कंफर्म कर दिया कि एल्डिहाइड आपका ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब थर्ड और फोर्थ आपके वन और टू से ज्यादा रिएक्टिव है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो इसके बेसिस पे आपके दो ऑप्शन कट गए, इन्होंने बोला फर्स्ट और सेकेंड ज्यादा रिएक्टिव है, गलत, इन्होंने बोला फर्स्ट और थर्ड ज्यादा रिएक्टिव है, गलत, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में भी अगर बात करें तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव कब होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए तो रिएक्शन के रेट को वो डिक्रीज कर देते हैं। तो थर्ड और फोर्थ में आप, थर्ड में कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, बट फोर्थ में जो ब्रोमीन है ये क्या लगाएगा अपना, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस वजह से फोर्थ थर्ड से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में भी सेम केस, ब्रोमीन है माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट से ही। तो ये क्या हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऑप्शंस में अगर देखें तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी भी देख ली, तो अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, मतलब किस टाइप से वो रिएक्शंस आपके प्रोसीड करते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट कंपाउंड बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं आपका एक जनरल कंपाउंड ले रही हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा वो आप लगा लेंगे। अब मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है आपका, एच एन एच टू ओ एच होता है, राइट। या फिर सेम आपने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजीन के साथ, तो दैट इज एन एच टू एच एन एच टू, ये आपका हाइड्रोजीन होता है, ठीक है। या फिर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, सेमी कार्बाजाइड के साथ करा दी, जो कि आएगा एन एच टू एन एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। मतलब इस टाइप से नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके साथ जब आप इसके रिएक्शन करा रहे हो तो आपका क्या कंपाउंड बनकर आता है, ठीक है, किस टाइप से आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है उसकी बात करें तो देख लिए। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, ये दो वाटर एच टू और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। और डायरेक्ट आप बना देंगे कार्बन डबल बॉन्ड एन ओ एच, ठीक है। ये क्या बन गया, यहाँ पे आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइन,
ओके सेम यहाँ से भी ये एच टू और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड एन एन एच टू। ये आपका क्या था, हाइड्राजीन, तो ये जब बनता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। ये क्या था आपका, सेमी कार्बाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में जो आपका नाइट्रोजन है इसको आइसोटोप बना देते हैं इसका, तो बोलते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन आपका जाकर के अटैच होगा। अब देखिए ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा, कि ये जो तीनों ही नाइट्रोजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये जो लॉन पेयर है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, सेम ये लॉन पेयर भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो रिएक्शन तो यही एन एच टू ग्रुप कर सकता है ना। बिकॉज रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे बाकी का ग्रुप प्रेजेंट है, तो होता क्या है, एक्चुअल जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले जो ये लॉन पेयर है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ओके तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो मतलब यही तो नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आता है आपका सी डबल बॉन्ड एन देन आपका एन एच सी डबल बॉन्ड एन एच टू, ये था आपका सेमी कार्बाजाइट, तो ये बनता है आपका सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो इस टाइप से जो इसके रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। नेक्स्ट मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन कराई एच सी एन के साथ, वो क्या है आपका एच सी एन हाइड्रोसाइनाइड। ठीक है, तो जो आपका साइनोहाइड्राइन है वो कैसे रिएक्शन करता है, सबसे पहले जो आपका एच पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपका एच पॉजिटिव और सॉरी सी एन नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, तो ये जो एच पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन पे क्या कर लेता है आपका अटैक, तो अटैक कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपका यहाँ पे सी एन नेगेटिव जो कि बच गया वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ओ एच, ये आ गया आपका सी एन। ठीक है, तो ये जो साइनोहाइड्रिन जो कंपाउंड है वो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से जो आपकी एडिशन रिएक्शन है वो प्रोसीड होती रहती है। अब मान लीजिए आपने इसके रिएक्शन किसके साथ करा दी, एल्कोहल के साथ करा दी। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो आप इसकी, एल्कोहल के साथ करा रहे हो जो कि है आपका आर ओ एच। तो जब आप इसके रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले वाले केस में, तो क्या होता है जो आपका अल्कोहल है वो इस पे क्या करता है अटैक करता है, तो आप सिंपल ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि अल्कोहल में एच पॉजिटिव और आर ओ नेगेटिव है, एच इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और आर ओ नेगेटिव का अटैक होता है, तो मतलब ये आ गया आपका ओ एच और ये आ गया आपका ओ आर। उसके बाद जब फर्दर रिएक्शन हो जाती है आपकी, तो दोनों ही पोजिशन पे आ जाता है आपका ओ आर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एसिटल भी बनता है और केटल भी बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, देखिए स्टार अगर आपने कंपाउंड ले रखा है एल्डिहाइड, ठीक है क्या ले रखा है आपने एल्डिहाइड, तो इस केस में जब सिर्फ एक ओ आर ग्रुप आता है तो हम उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर स्टार्टिंग कंपाउंड कीटोन होता और वहां पर आपका एक ओ आर ग्रुप आता तो आप उसको क्या बोलते हैं हेमी कीटल। जब दोनों ओ आर ग्रुप आ जाएंगे तो ये बन जाएगा एसिटल और ये बन जाएगा कीटल। अब देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका जो ग्रुप्स हैं वो डिसाइड नहीं किए कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सा एसिटल है कौन सा कीटल है। ठीक है, बट मान लीजिए ये आपका आर ग्रुप है और यहाँ पे अगर एच है तब तो आप इसको बोलेंगे हेमी एसिटल क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, बट अगर मैं यहाँ पर भी आर ही कर दूं तो ये बनेगा हेमी कीटल। सिमिलरली यहाँ पे R और H है तब तो एसिटल बन जाएगा, और दोनों ही अगर R है तो आप उसको क्या बोल देंगे कि ये क्या बन गया आपका कीटल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलिए अब इस देखिए इसके बाद जो आपके रिएक्शंस आती हैं वो आपकी नेम रिएक्शंस आती हैं, एक होती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, देन उसके बाद आती है आपकी कैनिजारो रिएक्शन, देन एक आती है आपकी क्लेजन स्मिट रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों ही रिएक्शंस ऐसी हैं जो हर एक बच्चे को आती ही हैं, बहुत सिंपल से रिएक्शंस है। होता क्या है, देखिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जब आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए
प्रेजेंट होना चाहिए। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो आपके एल्डिहाइड्स कीटोन्स के बीच में ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है, राइट, या इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकती है, या आपकी रिएक्शन किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकती है, मतलब दो ए सेम मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो जो कि क्या है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन, तो इस केस में आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका HCHO हो गया, PHCHO हो गया, इस केस में आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जबकि अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हो गया, मतलब जहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है उसके साइड वाली जो पोजीशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, राइट, मतलब अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो उस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है आपकी क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन। अब क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और जो सेकेंड कंपाउंड होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो इस केस में जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है वो क्या हो जाती है, आपकी क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन। तो अब एक हमने बोला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो मान लीजिए CH3CHO हो गया, और सेकंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए तो ये हो गया आपका HCHO। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम वही एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का होगा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेस वहां से क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बेनाइन बनाएगा, और जो दूसरा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो उस पर अटैक कर देता है, राइट। तो इस टाइप से जो ये आपके रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या करता है, आपका प्रोसीड करता है हाइड्रोलिसिस के बाद, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका OH, और अगर आपने इसको हीट भी किया तो वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए तीनों ही रिएक्शंस जो हैं ये आपके बिल्कुल सिमिलर से रिएक्शंस हैं, जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका HCHO, टू मोल्स हैं इसके, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको पता है कि ये आपकी क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और आपका रिडक्शन भी होता है। इसका एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका एसिड में, प्लस जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्या हो रही है, आपके रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, देन आज बस यहीं तक ही करेंगे आज के रिएक्शन। एल्डिहाइड की जो मेन मेन रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई हैं। इसके बाद जो आपके टेस्ट बच गए, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और कुछ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो भी अभी पढ़नी बाकी हैं, तो वो हमारा जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा उसमें वो सारी रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वेन CH3CHO इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस विद एक्सेस ऑफ HCHO, रिएक्शन क्या हो रही है आपका, एक है CH3CHO रिएक्शन कर रहा है HCHO के साथ जो कि हमने क्या ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ये कंपाउंड जिसके पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, तो कौन सी रिएक्शन देते हैं, अभी मैंने बताया आपको ये तो क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मतलब एक रिएक्शन तो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका HCHO है ये एक्सेस अमाउंट में है, मतलब जितना भी CH3CHO है उसके साथ HCHO ने रिएक्शन की, क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ HCHO बच गया, तो सिर्फ HCHO जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है वो बेस की प्रेजेंस में कौन से रिएक्शन देता है, कैनिज़ारो रिएक्शन, राइट। तो मतलब यहाँ पे आपकी दो रिएक्शंस हो रही है, क्लेसन-स्किमिट रिएक्शन भी होगी और कैनिज़ारो रिएक्शन भी होगी। उसके बाद ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओनली एल्डोल टाइप, दैट इज क्लेसन-स्किमिट, नहीं कैनिज़ारो भी हो रही है। सेकंड कह रहा है कि सिर्फ कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, तो ये भी गलत है क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पहले एल्डोल टाइप होगी देन कैनिज़ारो टाइप रिएक्शन होगी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला कि पहले कैनिज़ारो देन एल्डोल टाइप रिएक्शन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीन रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, जस्ट आप इनकी कंडीशंस थोड़ा सा याद रखिए, इनके क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी हो जाते हैं। इसके बाद कैनिज़ारो के एक दो और क्वेश्चंस हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग, वो भी आपसे आपको करवा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, दो क्वेश्चंस लिए हुए यहाँ पे मैंने एक साथ में ही, ये आपका कंपाउंड, दोनों में कंपाउंड बिल्कुल सेम है, आपने इसकी रिएक्शन कराई हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या है आपका कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, एक आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज और ये हो गया आपका रिड्यूस, ठीक है, इसी टाइप से रिएक्शन होती है। बट इन्होंने बोला फर्स्ट कंडीशन दी है हमें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कि जो बेस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बेस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा, आपको पता है कि जो अल्कोहल का हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है आपका एसिडिक, और बेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो जो आपका अल्कोहल है ये भी क्या इस टाइप से प्रेजेंट होगा, मतलब जो भी बेस होगा अपनी आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब हाई कंसंट्रेशन है बेस की तो आप याद रखेंगे कि जो आपका अल्कोहल है वो भी किसमें आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो अगर ऑप्शंस देखूं जहाँ पे आपका एसिड तो कैनिजारो में वैसे ही आयन की प्रेजेंट में होता है और अल्कोहल दोनों ही आयन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला कि बेस की कंसंट्रेशन लो है, तो मतलब यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है वो अपनी नॉर्मल अल्कोहल CH2OH की तरह ही प्रेजेंट होगा, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, तो अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो मतलब अल्कोहल तो CH2OH की तरह होना चाहिए और जो आपका एसिड है वो कैसे होना चाहिए आयनिक फॉर्म में, तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि बेस की कंसंट्रेशन हाई है या फिर ज्यादा है, ठीक है। तो आज हमने काफी क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं, बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है, बचे हुए रिएक्शंस हैं, वो हमारी नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।